बोल। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में जो 206 हड्डियां होती हैं, इसको कैसे लर्न करना है, इसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। ठीक, तो हमारा एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि एक शिशु जो होता है उसमें 213 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओके, स्केलेटल सिस्टम जो है उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी अक्षीय स्केलेटन और अनुबंधी। ठीक, तो जो स्केलेटल सिस्टम की एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो है, इसके अंतर्गत आता है स्कल। ठीक, स्कल में सबसे पहले हम कार्नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तीनों कार्नियम में 8 कार्नियल बोन्स पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 8 कार्नियल बोन्स। इसको लर्न करने की ट्रिक्स क्या है? इसको लर्न करने की ट्रिक्स ये है, T2FP2OSE। क्या है? T2FP2OSE। ओके, ठीक। तो टी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब होता है टेम्पोरल। क्या होता है? टी का मतलब टेम्पोरल होता है, जो कि ऑरेंज कलर में है। ये संख्या में 2 पाया जाता है। ठीक, फिर टी के बाद क्या आता है? एफ आता है। एफ का मतलब फ्रंटल। इसकी संख्या कितनी है? 1 है। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है? पी। पी का मतलब पेराइटल। इसकी संख्या 2 है। फिर नेक्स्ट आता है ओ। ओ का मतलब ऑक्सीपिटल, जो कि संख्या में 1 पाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है एस, स्फेनॉइड, जो कि संख्या में 1 है। फिर लास्ट है इथमॉइड, ये भी 1 ही पाया जाता है। ये हो गया कार्नियल बोन्स, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फेसियल बोन्स। फेसियल बोन्स जो है इस 14 होती हैं। इसको लर्न करने की ट्रिक है MMLPNVIZ। ओके, MMLPNVIZ। ठीक, यम का मतलब क्या होता है? मैंडिबल, जो कि संख्या कितना है? 1। ठीक, नेक्स्ट क्या है? मैगजिला, ये कितनी संख्या में है? 2, येलो कलर की, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है? एल, लैक्रिमल, जो कि संख्या कितनी पाई जाती है? 2। ठीक, इधर और इधर। फिर नेक्स्ट क्या आता है? पी, पैलेटिन, जो कि संख्या में 2 है, रेड कलर की, एक इधर और एक इधर। फिर नेक्स्ट आता है एन, एन मतलब नसल, जो कि संख्या में कितनी है? 2। फिर नेक्स्ट है वी, होमर, यह संख्या में 1 पाई जाती है, ब्लू कलर की है, लंबी सी। ठीक, फिर आगता है आई, आई मतलब इन्फीरियर नसल कौनचा, ये ग्रीन कलर की है, इधर पाई जाती है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है जेड, जाइगोमेटिक, ये भी संख्या में कितनी पाई जाती है? 2, ये ग्रीन कलर की, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ये है फेसियल बोन्स। नेक्स्ट आता है ईयर बोन्स। ईयर बोन्स के अंतर्गत 3 बोन्स आती हैं। ठीक, जो फर्स्ट बोन्स होती है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है, जिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? वो कान का जो पर्दा होता है, इसको क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसी से फर्स्ट बोन कनेक्ट होती है। तो इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है? मिस, MIS। क्या है? MIS, मिस। यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब होता है मेलियस। क्या होता है? मेलियस। ठीक, ये हो गया एम। फिर नेक्स्ट आई, आई का मतलब होता है इनकस। फिर एस, एस का मतलब स्टेप पीस। ये हो गया 3 बोन्स ईयर्स की। फिर नेक्स्ट आता है हाइड बोन्स। हाइड बोन्स जो है लैरिंग्स के जस्ट ऊपर पाई जाती है, ये संख्या में 1 होती है तथा जीभ को सहारा प्रदान करती है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है वर्टिब्रल कॉलम, जो कि संख्या में कितना होता है? 26, और शिशुओं में पाया जाता है 33। ठीक, इसको लर्न करने की ट्रिक है
सात सर ओके, बारह थ्रो, पांच लंबर, एक सेक्रम, एक कॉक्सी ओके। तो क्या बताया, सात सर, बारह थ्रो, पांच लंबर, एक सेक्रम, एक कॉक्सी ओके। तो सात सर, सात सर मतलब सात ठो सर्वाइकल वर्टीब्री ठीक। फिर नेक्स्ट क्या आता है, बारह थ्रो, बारह थ्रो मतलब बारह थोरेसिक वर्टीब्री ठीक। फिर नेक्स्ट आता है पांच लंबर, पांच लंबर वर्टीब्री ठीक। फिर नेक्स्ट है एक सेक्रम और एक कॉक्सी ओके। और जो ये सेक्रम है फाइव फ्यूज्ड हैं, मतलब ये जो शिशु थे उनमें थे फास्ट ठो पर अब नहीं है, और कॉक्सी में फोर जो थे वो शिशुओं में थे पर अब नहीं है ओके। ये हुआ वर्टीब्रल कॉलम। इस तरह हम जो है तो वर्टीब्रल कॉलम के बारे में पढ़ेंगे कि वर्टीब्रल कॉलम की जो 26 हड्डियां हैं इनको कैसे याद करते हैं ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम यह हमारे शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है, एक ठीक। और यह जो है इससे रिब्स जो है कनेक्ट रहते हैं और यह हमारे सीने में पाई जाती है ओके। फिर नेक्स्ट आता है रिब्स, रिब्स यानी पसलियाँ, यह हमारे शरीर में कितनी होती हैं, 24 होती हैं ओके। यानी 12 राइट साइड और 12 लेफ्ट साइड जो कि स्टर्नम से कनेक्ट रहती हैं ठीक। यह एक पिछड़ा की बात काम करती है ठीक। इस तरह हम स्केलेटल सिस्टम के एक्सियल स्केलेटन को पढ़ चुके हैं ठीक। इस यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई भी आपको डाउट्स हो या कुछ कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट वीडियो अपेंडिकुलर स्केलेटन को मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा और इसके साथ पूरी ट्रिक का टेबल दूंगा ओके। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।